हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज के हमारे इस नई वीडियो में। आज फिर दोस्तों बताने वाला हूँ साउंड और वाइब्रेशन फुल सेटिंग के बारे में, मतलब अपने रियलमी के फ़ोन में या दोस्तों किसी भी डिवाइस में साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग को कैसे ही यूज़ कर सकते हो दोस्तों, वन बाय वन। और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा साउंड एंड वाइब्रेशन हम कैसे ही यूज़ कर सकते हैं अपने रियलमी के फ़ोन में। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करना दोस्तों आपको ऐसे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे दिख जाएगा साउंड और वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों आपको सबसे पहले दिखेगी वाइब्रेट सेटिंग, जो आपके रियलमी के फ़ोन की वाइब्रेट सेटिंग है। और आपको देखेगा यहाँ पे दोस्तों वाइब्रेट ऑन रिंग है, तो आप यहाँ से इसको ऑन करोगे तो आपका फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा रिंग के टाइम पे। और आपको इसको ऑफ करना है, तो यहीं से आप इसको ऑफ कर दो, आपको नहीं यूज़ करना है। अब दोस्तों सेकंड देखिएगा वाइब्रेट ऑन साइलेंट है, तो दोस्तों आपका फ़ोन साइलेंट है और आप इसको ऑन कर लेते हो दोस्तों आपका फ़ोन जो कि वाइब्रेट करेगा साइलेंट मोड पर, तो आप इसको ऑफ भी कर लो अगर आपको नहीं यूज़ करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ साइलेंट मोड दिख जाएगा, तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ मेरी नोटिफिकेशन रिंगटोन और ये रिंगटोन जो कि ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, मतलब ये नहीं बजेगी अगर फ़ोन या नोटिफिकेशन आएगा। और आपको साइलेंट मोड आइकॉन आपके स्टेटस बार पे आपको शो करेगा। अब दोस्तों जैसे इसको आप ऑफ करोगे रिंगटोन और नोटिफिकेशन वॉल्यूम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों आपकी वॉल्यूम सेटिंग के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो मीडिया वॉल्यूम है, रिंगटोन वॉल्यूम है, नोटिफिकेशन है और अलार्म वॉल्यूम है। आप यहाँ से इसको अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से दोस्तों, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो इस साइड से। अब दोस्तों आपको यहाँ देखिएगा वॉल्यूम बटन फंक्शन, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको दिख जाएगी डू नॉट डिस्टर्ब D&D सेटिंग, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब है दोस्तों। अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो आपका फ़ोन जो कि रिंग नहीं करेगा और वाइब्रेट नहीं करेगा एक्सेप्ट अलार्म या टाइमर के। अगर दोस्तों आप इसको ऑन करना चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हो। और दोस्तों इसको ऑन करते ही आपको स्टेटस बार पे दिखेगा मून आइकॉन, तो दोस्तों मून आइकॉन अगर आपके फ़ोन में दिखता है तो आपको क्या करना है, आपको डू नॉट डिस्टर्ब को ऑफ करना है। दोस्तों मेरे पे काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि स्टेटस बार पे मून आइकॉन वगैरह शो होता है तो क्या ये नाइट मोड का साइन है, तो दोस्तों ये नाइट मोड का साइन नहीं है, आपका डू नॉट डिस्टर्ब का साइन है। आप यहाँ से इसको ऑफ करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब ये स्टेटस बार पे डू नॉट डिस्टर्ब नहीं दिखेगा। इस तरीके दोस्तों हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको रिंगटोन दिख जाएगी, दोस्तों आपको अपने फ़ोन में रिंगटोन लगानी है तो यहाँ से आप लगा सकते हो इजीली, कोई भी रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हो। और नोटिफिकेशन रिंगटोन को दोस्तों आप यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हो। इस तरीके दोस्तों अपने साउंड वाइब्रेशन को आप यूज़ कर सकते हो अपने रियलमी के फ़ोन में। अब दोस्तों आपको करना है मोर साउंड और हैप्टिक्स पे क्लिक करोगे तो आपको डायल पैड टोन, लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड, फोटो डिलीट साउंड, अगर दोस्तों आपको डिलीट करोगे अपने फ़ोन से तो आप इस साउंड को ऑन करके यूज़ कर सकते हो। टच साउंड दोस्तों अगर आप इसको यूज़ करते हो दोस्तों किसी भी चीज़ पर टैप करोगे तो दोस्तों आपको एक साउंड से सुनाई देगा बैक साइड में, दोस्तों मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके दोस्तों अपने साउंड वाइब्रेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने रियलमी के फ़ोन में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और आपके पास कोई भी डाउट हो तो दोस्तों उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।